बहुत दिन बाद मैं फिर से एक बार एक नया वीडियो के साथ आ गया हूँ। आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। होप आप लोग सब अच्छे हो। सो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो आज का जो वीडियो है, आज जो मैं टॉपिक सिलेक्ट किया हूँ ना, वो है CMD के बारे में। कंप्यूटर के बारे में जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है, जो CMD कैसे काम किया जाता है, CMD किस काम में लगता है, CMD में क्या क्या चीज़ हो सकता है, बहुत सारा चीज़ हो सकता है, मगर छोटा ओवरव्यू मैं आज दूंगा CMD हम लोगों का क्या हेल्प कर सकता है। ठीक है, जो चीज़ हम लोग यूज़र इंटरफेस से कर सकते वो चीज़ हम लोग CMD से भी कर सकते। CMD का करने का मतलब है कमांड प्रॉम्प्ट। कंप्यूटर को हम लोग कमांड देंगे, उसका हिसाब से वो काम करेगा। ओके, तो इस तरीके से CMD काम करता है। CMD कब काम आता है, मान लीजिए किसी का सिस्टम को आप रिमोट में लिए हो, तो उसमें CMD में आपको घुसने का परमिशन नहीं है, मगर CMD से आप घुस सकते। मैं बोलना नहीं चाहूँगा, मगर हैकर लोग जो होता है वो CMD का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा करता है। तो फिर आप CMD का थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लीजिए, मतलब सीख लीजिए। मान लीजिए कोई भी अगर काम रिमोट में लेता है ना आपको सिस्टम को, तो फिर वो आपको पता रहेगा जब आपका सिस्टम में वो एग्जैक्टली क्या क्या करने वाला है, मतलब कर रहा है। ठीक है, आगे जाके तो फिर आपको बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो अगर देख लेते, तो फिर आगे जाके CMD के लिए में कोई परेशानी नहीं होगा। बाकी जितना सारा कोड्स है वो आप नेट से थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर नेट से थोड़ा इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा सावधानी से इस्तेमाल करिए, क्योंकि CMD बहुत डीप लेवल का है। ठीक है, तो चलिए, CMD का मतलब है कमांड प्रॉम्प्ट। उसको कैसे ओपन किया जाता है, बहुत सारे, पहले मैं इसको काट देता हूँ। ठीक है, तो बहुत सारा ऑप्शन है CMD को ओपन करने के लिए। मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे विंडोज़ जो बटन है उसमें उसके साथ R प्रेस करिए, वहाँ पे लिख दीजिए CMD, ओपन कर दीजिए CMD, आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से CMD को आप ओपन कर सकते हैं। ओके, हो गया। मैं और एक तरीका है CMD को ओपन करने के लिए, एक चीज़ देख लीजिए। अगर यहाँ पे आप मेन स्क्रीन में अगर CMD ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पे देख लीजिए यूज़र सत्यजीत चटर्जी, मगर मेरा सिस्टम का ऊपर वो एक्सेस ले रहा है। ठीक है, मेरा सिस्टम का एक्सेस ले रहा है। ठीक है, पूरा सिस्टम के पास एक्सेस आ गया। अभी जिस जो भी काम करेंगे सिस्टम का ऊपर होगा, मगर मैं इतना नहीं चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ एक फोल्डर के ऊपर हो, तो फिर फोल्डर को ऊपर इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे एक ब्लैंक फोल्डर है, आप इसमें छेड़खानी कर सकते हैं। कैसे, तो फिर आपका सिस्टम के भी नुकसान नहीं होगा थोड़ा बहुत। तो फिर यहाँ पे जो एक मैं यूआरएल देख पा रहे हैं, यहाँ पे सर्च आइकॉन आ रहा है, यहाँ पे आप इसको काट के आपको टाइप करना होगा CMD। अभी देखिए वहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहे हैं, सत्यजीत चटर्जी यूज़र आ रहा है। अभी यहाँ पे ई, उसके बाद डेमो, मतलब डेमो फोल्डर का अंदर में वो सब कुछ मैं काम करूँगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट जो काम करते हैं, आपको एक फोल्डर बना के दिखाता हूँ। ऐसे भी आप फोल्डर बना सकते हैं, राइट क्लिक, उसके बाद न्यू और इसके बाद फोल्डर, मगर आपको इस यूज़र इंटरफेस अगर दिया भी नहीं गया तो फिर आप कैसे करेंगे। आपको सिस्टम में घुसने का परमिशन नहीं है, आप सिर्फ CMD दिया जा रहा है उसमें आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए वहाँ पे क्लिक करते हैं MD, उसके बाद मेरा नाम दे देता हूँ, उसके बाद एंटर। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली सत्यजीत नाम के एक फोल्डर आ गया है, यह फोल्डर एक्सेस है, मतलब एक्सेस कर सकते हैं हम। ठीक है, इस तरीके से फोल्डर क्रिएट हो गया। आप कोई भी फोल्डर बना सकते हैं, किसी भी नाम से बना सकते हैं। ठीक है, और अगर इस फोल्डर को डिलीट कैसे करेंगे, आप चाहे तो ऐसे भी डिलीट कर सकते हैं और CMD के भी अगर डिलीट कर सकते हैं। मान लीजिए इस फोल्डर का आपका एक्सेस नहीं है, मगर CMD में आपको एक्सेस मिलेगा, बिल्कुल एक्सेस मिलेगा, तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा रिमूव करना है होगा आपको। तो फिर लिखना है अगर कमांड लिखना होगा RD, उसके बाद आपका फोल्डर का नाम दे दीजिए। देखिए वो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड से रिमूव हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से एक फोल्डर बनाइए और एक रिमूव भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट जो कमांड होता है, यहाँ पे CLS टाइप करता हूँ, देखिए क्लियर हो गया, मैं जितना सारा लिखा था वो सब क्लियर है, फ्रेश डॉक्यूमेंट एक आ गया। ठीक है, फ्रेश CMD आ गया।
अभी चाहिए एक ऐसा फोल्डर बनाइए जिस फोल्डर को आप हिडन कर सकते हैं। ओके तो चलिए, तो फिर क्या करना होगा, पहले तो एक फोल्डर बना लेते हैं। फोल्डर बना लिए, वहाँ पे आ गया फोल्डर, आप देख सकते हैं यहाँ पे फोल्डर आ गया। अभी आपको करना होगा attrid स्पेस प्लस h स्पेस प्लस r स्पेस प्लस r, ओके hsr, उसके बाद आपको फोल्डर का नाम देना होगा सत्यजीत, ठीक है। इसमें आपको जब भी एंटर मारेंगे वो फोल्डर हाइड हो जाएगा, देखिए बैकग्राउंड में हाइड हो गया। अभी इसको रिफ्रेश करेंगे तब भी नहीं आएगा। अभी एक क्वेश्चन आपका मन में श्योर आ रहा है, वो फिर अगर मान लीजिए इसको हम फोल्डर व्यू में जाके हिडन फाइल को अगर क्लिक कर देंगे तो फिर वो दिखना चाहिए, मगर वो नहीं दिखेगा। क्लिक कर देंगे, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। आप जितना भी कोशिश कर लीजिए उसको अनहाइड नहीं कर सकते। जो हैकर लोग होता है वो लोग इसी टेक्निक को यूज़ करता है, कोई भी एक डेंजरस फोल्डर डेंजरस फाइल उसमें पुट करके आपको भेज देता है और ये स्क्रिप्ट लगा देता है। इसमें आपको जितना भी हो आप अनहाइड हाइड कर लो, उसको खोज नहीं पाएंगे आप, ठीक है। इस तरीके से हैकर आपको सिस्टम में घुसता है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए ऐसा कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रहा है, आप उसको अनहाइड कर सकते हैं। कैसे, इसको मैं फिर से अनचेक कर देता हूँ, आप देख लीजिए। उसको अनहाइड करने के लिए आपको सिर्फ करना पड़ेगा वो सेम लिखना पड़ेगा, उसके बाद सिर्फ इसको नाम को वही रहेगा और माइनस कर दीजिए, इसमें सिंपली आपको इसको माइनस कर देना होगा। देखिए वहाँ पे ऑटोमेटिकली सत्यजीत आ गया, ठीक है। इस तरीके से एक फाइल को हाइड और अनहाइड आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। ओके तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट में आप सिस्टम को शट डाउन कर सकते हैं। कभी कभी अभी तो बहुत सारा सिस्टम में आ गया है, मान लीजिए कोई अगर एक रिमोट लिया है आपको, आपका सिस्टम में बार बार रिस्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो रिस्टार्ट हो रहा है, आप एडमिन हो, आपका अंडर में 50 सिस्टम है, आप चाह रहे हैं कि उस कोई भी एक सिस्टम को मतलब बंद करने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसका आईपी एड्रेस देना पड़ेगा, उसके बाद एक कमांड देना पड़ेगा। मेरे पास तो फिलहाल एक ही सिस्टम है तो इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, मगर स्क्रिप्ट जो है वो सेम रहेगा। आपको क्या लिखना पड़ेगा, शट डाउन, शट डाउन, ओके एस कर दीजिए तो फिर शट डाउन हो जाएगा। शट डाउन माइनस एस, एस मतलब शट डाउन, इसको अगर एंटर मारेंगे तो मेरा सिस्टम शट डाउन होगा तुरंत, ठीक है, इसलिए मैं नहीं करूँगा इसको। इसके लिए अगर एल कर दीजिए तो लॉग ऑफ हो जाएगा, अगर इसको आर कर दीजिए तो रिस्टार्ट हो जाएगा। ओके इस तरीके से कोई भी सिस्टम को आप शट डाउन रिस्टार्ट लॉग ऑफ कर सकते हैं अपने हिसाब से। ओके अभी आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए आप कोई भी सिस्टम को, आपको आपका अंदर 50 सिस्टम है, वो 50 सिस्टम का लगभग ए बी सी डी ऐसे करके क्या 1 2 3 4 आपको 5 नंबर का जो सिस्टम है उसको आपको बोल के बोलना पड़ेगा, भाई तुम छोड़ दो, अभी तुम्हारा सिस्टम में थोड़ा काम है, तुम्हारा सिस्टम शट डाउन होगा रिस्टार्ट होगा वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है, उसको आपको बोलना पड़ेगा। मान लीजिए वो कुछ और फ्लोर में रहता है तो फिर उसको जाके बोलेंगे, भाई तुम सिस्टम छोड़ दो, अभी तुमको सिस्टम में काम है, तो ऐसा तो नहीं करेंगे। तो आप लिख के कर सकते हैं, उसका आईपी एड्रेस दे दिए, फिलहाल मैं नहीं दिखा पा रहा, मगर स्क्रिप्ट जो है वो सेम है, मैं दिखा दे रहा हूँ, फिर से देना पड़ेगा shut down, ओके अभी आपको क्या देना पड़ेगा, स्पेस एस स्पेस टाइम शट डाउन टाइम, टाइम देने का 50 सेकेंड, 50 सेकेंड में वो लॉग ऑफ हो जाएगा, मतलब शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देना पड़ेगा प्लीज स्टॉप वर्किंग, ऐसे करके आप एक प्रिंट कर दिए। जब भी एंटर मारेंगे ना तो सिस्टम को पहले 50 सेकंड तक वो पॉपअप दिखाएगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, ठीक है। अभी एंटर नहीं मारेंगे नहीं तो 50 सेकंड बाद मेरा सिस्टम बंद हो जाएगा।
ओके, तो इस तरीके से आप सिस्टम को शट डाउन रिस्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग शायद हैकिंग रिलेटेड फिल्म तो आप लोग बहुत सारा देखते हैं, उसमें दिखाया जाता है जैसे कि ग्रीन कलर से, जैसे कि चल रहा है मेरा, मैंने पहले आपको दिखाया था इस तरीके से चल रहा है। तो फिर कैसे चलता है, मान लीजिए यहाँ पर 10-12 जो लग रहा है पूरा एकदम अच्छा सा लग रहा है जो हाँ भाई कोई हैकिंग वैकिंग चल रहा है, मगर वो सब प्रैंक होता है, वो हैकिंग वैकिंग नहीं होता, ठीक है, वो रियली से, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कलर चेंज करना पड़ेगा उसको लिए। इसके लिए मैं मेन CMD में जा रहा हूँ, CMD कर दिया हूँ, ठीक है, मेन CMD में आ गया हूँ, वो वाला फोल्डर में था, अभी सिस्टम में आ गया हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा कलर हेल्प। यहाँ पे कलर हेल्प देंगे तो बहुत सारे कलर यहाँ पे आप दे सकते हैं। ओके, तो कलर हेल्प में आपको देना पड़ेगा इस तरीके से। उसके बाद आपको कलर सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो फिर कलर, ओके, यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन, ग्रीन के लिए 2 है, मैं 2 क्लिक कर देता हूँ, देखिए ग्रीन हो गया। अभी CLS कर देता हूँ, देखिए इतना सारा कितना अच्छा लग रहा है ग्रीन, तो फिर थोड़ा बहुत हैकिंग वाला फील आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कलर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कमांड है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। मान लीजिए आपका कोई इंस्टीट्यूट है, उसमें 150-150 कुछ सिस्टम है, और आप देखना चाहते हैं सिस्टम में, हर सिस्टम में कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है। कोई अगर मान लीजिए कोई अगर गलती से कोई और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिए, वो आपको सिस्टम के लिए हानिकारक है, तो उसको आपको रिमूव करना होगा, ठीक है। तो आप तो हर सिस्टम में चेक नहीं कर सकते ना, तो फिर एक काम कर सकते हैं, आपको लिखना पड़ेगा WMIC प्रोडक्ट, उसके बाद गेट, उसके बाद नेम। इसको अगर एंटर कर देंगे ना, तो फिर जितना सारा आपका सिस्टम में इंस्टॉल किया सॉफ्टवेयर है जो भी हो वो आपका आ जाएगा। अभी एंटर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसके लिए लगभग 2-3 मिनट टाइम लगता है, आपका सिस्टम का जितना सारा स्पीड है उसका हिसाब से वो 2-3 मिनट लग जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं टाइम बर्बाद होगा, आप अभी करके देख सकते हैं। स्क्रिप्ट जो वही है, कमांड यही है, आपको एंटर मारेंगे तो देखिए वो काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं इंटर पे मार दिया, मगर बहुत लेट में आएगा, तो चलिए इसको काट देते हैं मैं डायरेक्टली। ओके, उसके बाद मैं फिर से CMD ओपन कर लेता हूँ। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, आपका अगर IP एड्रेस चेक करना पड़ेगा, तो फिर ip config /all, इसको टाइप करके एंटर मार दीजिएगा। आप जितना सारा मैं अभी नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि मेरा IP एड्रेस वहाँ पर विजिबल हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं दिखा पाऊँगा उसको, तो एंटर मार दीजिएगा, तो आपका IP एड्रेस पूरा आ जाएगा, जितना सारा IPv6 है, IPv4 है, वो आपका आ जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट जो लास्ट कमांड है वो है, आप अपने CMD से कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिख लीजिए start www.google.com, एंटर मार दीजिए, गूगल खुल गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए आप कोई सिस्टम को रिमोट में लिया, आपका यूज़र इंटरफेस में आपको एक्सेस नहीं मिला है, मगर CMD से आप गूगल क्रोम ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप मान लीजिए इसको पूरा भी क्लोज कर देता हूँ, तो ऐसे भी क्रोम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कोई भी एप्लीकेशन का अगर exe आपको पता है, तो फिर आपको एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप CMD का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। आने वाला वीडियो में मैं ज़रूर और भी दिखाऊंगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा, उसमें जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास सीधा नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए, अगर कोई डाउट है तो मैं ज़रूर क्लियर कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलेंगे, आप लोग सब अच्छे से रहेगा, थैंक यू।